अच्छा मुझे ये बताओ इसका नाम होला राम क्यों रखा? क्या है कि नाना जी का नाम राम था और ये होली के दिन पैदा हुआ तो उन्होंने इसका नाम होला राम रख दिया। अच्छा बाजी लोहड़ी के दिन पैदा नहीं हुआ नहीं तो इसका नाम तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विजेंद्र। मैं हूं सुनील। और दोस्तों, नया वीडियो आ गया है गुड न्यूज़ का, ट्रेलर टू बत्रा वर्सेस बत्रा। और यार गुड न्यूज़ का ट्रेलर वन भी इतना धमाकेदार था, इतना कॉमेडी के साथ और इमोशनल। और इसके जो गाने आ रहे हैं, कल हमने इसका एक गाना देखा है लाल घाघरा, और लाल घाघरा से चल रहा भाई वो गाना ना। और सच में बता रहा हूँ, शादियों के लिए और वैसे तो ये इतना फेमस हो जाएगा, तगड़ा चलने वाला है। और क्योंकि नई ड्रेस आ गई है भाई लड़कों की ड्रेस आ गई है पहना है यार। वैसे क्या होता है ना, मोस्टली घुटनों पर रुमाल बांध लिया वो फैशन चल गया, फटी जीन्स पहननी शुरू कर दी वो फैशन आ गया, स्लीव आ गया, कट वाली शर्ट आ गई, ठीक है शर्ट आ गई। हाँ पहले बेल बॉटम आई थी, बेल बॉटम नैरो बॉटम चल गई, फिर भाई देख देख के फैशन आ रहा। अब भाई अक्षय कुमार ने घाघरा डाल लिया तो क्या घाघरा पहनेंगे? अब यार इस मूवी में देखने को मिलेगा वो गाना भी, और इसमें कॉमेडी सीन भी बनेगा उस पे, तो अब देखते हैं। काफी बढ़िया इनका ट्रेलर होता है, मतलब पंच लाइंस बहुत तगड़ी तगड़ी होती हैं। और उसके अलावा यार एक चीज और भी है, अभी लाल घाघरा पे था टिकटॉक भी आने लग जाएंगे, लड़कियां तो लाल घाघरा पहन कर नाचने लग जाएंगी, ये देखो जी मेरा लाल घाघरा। तो इसमें यार जैसे अक्षय कुमार अपने दिलजीत जी हैं और करीना है, कियारा अडवानी है, तो इन चारों की एक्टिंग धमाकेदार है और कॉमेडी सीन इतने अच्छे हैं। क्योंकि मेरे को तो सबसे जो पहला ट्रेलर था उसमें कॉमेडी सीन बहुत अच्छा लगा था, जिसमें एंड में दिलजीत भाई साहब का छोटा सा बेबी जो उनकी शक्ल में निकल के आता है हेलो जी, तो एंडिंग वहाँ पे थी। और इसमें देखते हैं कि वो सीन दिखेगा या नहीं दिखेगा, क्योंकि ट्रेलर टू है तो ट्रेलर टू में कहीं ना कहीं उन्होंने उसका आगे का पार्ट लिया होगा, कुछ चीजें तो और डाली होगी। क्योंकि पहले जो ट्रेलर आया था उसमें लाल घाघरे का सॉन्ग जरा भी नहीं था, तो इस बार लाल घाघरा कल परसों में लॉन्च हुआ है, तो शायद ये ट्रेलर भी अभी लॉन्च हुआ है, तो इसमें शायद इस गाने को भी दिखाएं थोड़ा सा, और इन्हीं चीजों को लेके आगे देखते हैं अभी क्या है। और ट्रेलर बना हुआ है, 2-2.5 मिनट का है, तो देखते हैं ट्रेलर। चलो स्टार्ट करते हैं, चलो देखते हैं। बस एक बार ये बच्चा रखने का फैसला करने से पहले उस बेवकूफ किसी को याद कर, 12 साल के बच्चे वाला IQ लेवल है। हेलो जी, नहीं जी खुद में ध्यान से उठाएंगे तो कैसे गिर जाएगा? ये जो आप लोगों ने मसूड़ी मचा रखी है ना, इसको अभी ठीक करो, मेरा स्पैम वापस करो बहन जी, डॉक्टर साहब मेरा फायदा वापस करो बस। बहुत शर्मिंदा है हमारे घर, ये कोई मजाक है ये क्या हो रहा है? ये तो गाना था जो आपने रिमिक्स कर दिया। आई एम गोइंग टू सू यू, हमें रिफंड मिलेगा? तैयार हो जाओ रिफंड। तो सर हम चाहते हैं जी, अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए ना तो डिलीवरी के बाद हमें दे देना, हम दोनों संभाल लेंगे। मैडम जस्ट गेट आउट यार, क्रेजी पीपल एंड यू गाइस आर रबिश पीपल यार। हेलो भाभी जी, वोट डालने वोट मत यार, मुझे रास्ता है ना तो मेरी पूरी बॉडी में ना थरथराहट सी हो जाती है, बड़ी जोर से मुक्का हो रहा है तेरे पावे पावे। मैं एक प्रेयर बोलूंगा, आप ध्यान से सुनिए। ओ मदर ऑफ लाइफ, ओ फादर ऑफ द यूनिवर्स। मुझे एनेस्थीसिया दे दीजिए, मैं बेहोश होना चाहती हूँ। पापी थोड़ी ना रेस्ट किया कीजिए, थर्ड मंथ चल रहा है पापी जी। Have a safe lift, पापी जी। पीछे ही पड़ गया यार, कुछ तो करना पड़ेगा। आई डोंट नो, ये का कॉन्ट्रैक्ट ये क्या लिखा है तुमने? हमारा बेटी हो या बेटा, बड़ा होके एथलीट या रैपर बनेगा। हाँ, क्योंकि इनके बाबू जी मिल्खा सिंह के फैन थे और अंबानी सिंह के फैन। तो मुझे ये बताओ इसका नाम होला राम क्यों रखा? क्या है कि नाना जी का नाम राम था और ये होली के दिन पैदा हुआ तो उन्होंने इसका नाम होला राम रख दिया। अच्छा बाजी लोहड़ी के दिन पैदा नहीं हुआ नहीं तो इसका नाम तो ओ मदर ऑफ लाइफ, ओ फादर ऑफ द यूनिवर्स। डॉक्टर साहब ये मंदिर नहीं है, बच्चा निकालिए, बच्चा निकालिए यार, क्या कर रहे हो आप? हाँ
भाई तगड़ा मतलब तगड़ा ट्रेलर लेके आया भाई दूसरा भी हंस सकते भाई खराब हो गई अच्छे कह रहा हूं जो लास्ट पंच था ना इसका तो यार क्या बोले भाई तो इन्होंने खतरनाक वाला काम कर दिया बिल्कुल कि जबड़े दर्द कर रहे हैं पेट दर्द कर रहा है भाई आदत के जिस रात में भाई कॉमेडी का ट्रेलर बना आया था ट्रेलर वन में इतनी कॉमेडी थी ट्रेलर टू में भी यार जबरदस्त एक्टिविटी कर दिया है कि यानी स्टार्टिंग ही वैसे करी है स्टार्टिंग में वो बच्चा आया था हेलो जी हेलो जी जहाँ पे एंडिंग हुई थी वहाँ पे स्टार्टिंग हुई थी और वो स्टार्टिंग थी और अक्षय कुमार जी डायलॉग मारते हैं कि यार उसका आई क्यू लेवल देखा है उसका बच्चा रखेंगे हम 12 साल के बच्चे का आई क्यू उसका और उसका बच्चा रखेंगे हम बहुत ही सही पंच है यार और उसकी वाइफ दिलजीत की वाइफ हमें रिफंड मिल सकता है रिफंड तो छोड़ो यार वो कहते हैं जी वो बच्चा गिरा देंगे जी बच्चा गोदी में रखेंगे तो गिरा कैसे देंगे गोदी में संभाल के रखेंगे ना गिरा कैसे देंगे अबे यार अल्टीमेट वाले थे और उसके बाद वो वायु पर जाता भाभी जी गुड मॉर्निंग दोपहर हो गई थी शाम हो गई थी गुड मॉर्निंग कुछ और ही चल रहा है उसका उसके बाद बोला तीन नहीं देगा वो लिफ्ट में चढ़ लिफ्ट भाभी जी आराम से ख्याल से तीसरा महीना चल रहा है जी दादा का नाम राम राम और ये होली के दिन पैदा हुआ तो शुक्र है कि ये लोहड़ी वाले दिन पैदा नहीं हुआ इसका नाम नहीं तो हो जाता भाई जाओ भाई तो जाओ क्या होता है इसका नाम सारे देख रहे हैं तो इसका मुंह है क्या बोल रहा है तो भाई थाई रहता वो उसने खतरनाक वाला और यार वो भी अच्छा था वो कहता है जी कांटेक्ट कर लेते हैं करीना कहती है कांटेक्ट कर लेते हैं कि हाँ हमारा बच्चा ये है वो तो जाता है भाई उन्होंने पता नहीं क्या लिखा होता है लेकिन दिलजीत का पढ़ते क्या लड़का हो या लड़की रैपर बनेगा या बनेगा एथलीट बनेगा जी क्या है जी इनके पापा जी ना अक्षय कुमार कहते हैं कि यार बेडरूम में जाऊं सेक्स करने के लिए ये नहीं है कि भाई वो वाला सही था वो कहते ना मुझे रिफंड मिलेगा आईपीएल पे बहुत ही तगड़ा यार मैं दिलजीत चला लगा था ओ जी मेरा फायदा वापस करो मेरा पैसा वापस करो अरे सब मेरा यार बहुत ही तगड़ा ट्रेलर है ये मतलब भाई एक एक लाइन यानी ये मान लो ये 2.5 मिनट भाई तुम्हें इतनी हंसी दे के जाएंगे ना वो ज्यादा बोलता है कि ये कोई गाना है जो तुमने रिमिक्स कर दिया तो यार सही चलाया है ना बिल्कुल और जिस हिसाब से दोनों ट्रेलर हैं ऐसा लग रहा है कि भाई मूवी है जबरदस्त कॉमेडी होगी पूरी मूवी में और भाई वो लास्ट वाला सीन तो गजब मदर ऑफ फादर हां यार डॉक्टर अरे यार तू बच्चा निकाल मंदिर थोड़ी ना ये पूजा करने बैठा तो वो कहती मुझे नहीं थी क्या था ये हो जाना चाहती हूँ मैं ये नहीं सुन सकती बहुत ही सही प्रे करेंगे माँ और फादर के लिए बच्चे के लिए यानी एक पे एक यानी ये वाले कि भाई दोनों को दिखा के नहीं दो तीन मिनट का पहले ट्रेलर था दो तीन मिनट का ये ट्रेलर है पांच छह मिनट की जो कॉमेडी है ना पांच छह मिनट की कॉमेडी है मान लो कि जैसे दो घंटे की मूवी होगी फुल ऑफ पंचेस तो जिस हिसाब से इसमें पंचे दिख रहे हैं मोस्टली क्या होता है कॉमेडी के जो मूवी के पंचेस होते हैं वो ट्रेलर में आ जाते हैं ताकि लोगों को पता लग जाए कि मूवी में है क्या जैसे दोनों ही ट्रेलर मतलब कॉमेडी से भरे हुए हैं तो लग रहा है भाई मूवी पूरी मतलब कॉमेडी फुल होगी और इमोशनल तो है ही बीच में थोड़ा सा तो है ही जहां पे उसमें केयर एडवानी के आंसू दिख रहे हैं और करीना सभी के आंखों में आंसू है फेस का जो वो सा लुक था वो डिफरेंट है अक्षय कुमार और दिलजीत थोड़े मजाक के मूड में रहते हैं उनका इतना होता नहीं लेकिन लड़कियां थोड़ी इमोशनल होती हैं तो वैसे ही उनका इमोशनल दिखाया हुआ है और यार मेन चीज वो यार उस गाने की बात करते हैं यार गाना आई गया इसमें लाल घगरा और लाल घाघरा तो अब तुम सबको पता ही है कि आज की डेट की अब पहली पसंद बन जाएगी क्योंकि सर्दियों का टाइम है सर्दियों में ठंड में कपड़े भी ज्यादा अच्छे होते हैं तो और शादियों का टाइम भी है और लहंगा घाघरा यही चल रहे होते हैं आजकल
अब तो नए नए ड्रेसेस आ गए हैं वैसे, लेकिन अब ये नया आया है ये तो लड़कों के लिए भी आ जाएगा भाई, कुछ दिन में घाघरा बन जाएगा। तो और आमिर खान ने तो पीके में पहन के दिखा भी दिया था, मतलब तो बड़ा सही लगता है आमिर खान का, ऊपर वो पहन के नीचे घाघरा पहन के वैसा निकले आमिर खान जी उस फिल्म में तो पीके में। वैसे यार ठीक है, गाना भी अच्छा है, मूवी भी अच्छी है, ओवरऑल और अक्षय कुमार की एक्टिंग तो यार हमने पहले ही बताया था आप लोगों को कि बहुत अच्छी होती है, और दिलजीत की जो कॉमेडी होती है, कॉमेडी सबसे मेन होती है, और उनके जो पंचेस तो है ही है। साथ के साथ मैं मानता हूँ यार करीना की, यानी करीना ने यानी जो एक्सप्रेशन होते हैं उनके यार बहुत अच्छे होते हैं, बॉडी गार्ड में दिए हैं या आप थे इडियट में ले लो, जितनी मूवियां करी थी लगता हाँ, जब भी मैट करी थी उन्होंने तो एकदम कहते हैं जब इमोशनल सीन होता है तो इमोशनल सीन में बिल्कुल वो डीप तक जाती हैं, उसको ना ऐसे फील करती हैं कि हाँ कि यार ये मेरे को रियल में करना है, यानी रियल मेरी लाइफ में हो रहा है, वो बिल्कुल ऐसा रिएक्ट करती हैं। और फेस भी उनका पूरा रेड सा दिखता है जैसे आप देखोगे सीन करते हुए। अगर कियारा आडवाणी की बात करें तो उनकी यार मूवियां जो आ रही हैं वो एक के बाद एक हिट होती जा रही हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले जो आई थी कबीर सिंह, कबीर सिंह में जो उनकी एक्टिंग थी, और उसके बाद तो यार उसके बाद तो स्टार ही बनती जा रही है धीरे धीरे, बहुत अच्छी मूवी। और जब ये गुड न्यूज में आई है तो गुड न्यूज में आने के बाद तो ऑटोमेटिकली यार चलेंगी। अब अक्षय कुमार जी हैं जिस मूवी में, तो यार मैं तो एक चीज मानता हूँ अक्षय कुमार जी जिस मूवी में आजकल तो जिस मूवी में आ रहे हैं वही हिट होती चली जा रही है। और यार अक्षय कुमार जी इतनी मेहनत करते हैं यार, उनके लिए तो बनता भी है कि मूवी हिट होनी है, ऊपर से दिलजीत दोसांझ की, यानी इतना मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था उसमें कहते हैं कि मेरे को यार टाइम नहीं मिल रहा, यानी चार चार घंटे छः छः घंटे उनको सिर्फ सोने के मिलते, कई बार तो चार घंटे ही मिलते हैं सोने के लिए, बाकी उनका शेड्यूल बड़ा सही है, शेड्यूल बड़ा सही है, यानी उन्होंने मैनेज किया हुआ है कि दिलजीत ने भी यार मैनेज किया हुआ है चार घंटे सोना या छः घंटे सोना बहुत काफी मेहनत करते हैं, और वही काम अक्षय कुमार जी का है वो आठ घंटे जो उन्होंने बांधा हुआ है कि हाँ आठ घंटे मेरे को अपने काम करने हैं, बाकी सोलह घंटे सेट के देने हैं शूटिंग के लिए देने, तो वो सारी चीज़ें होती हैं, बहुत मैनेज करना पड़ता है उनको लिए कि हाँ भी, क्योंकि मेन चीज़ क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ें करनी होती है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत सारा टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ भी करना है वहाँ भी करना है ये, और सबसे मेन चीज़ क्या होता है अक्षय कुमार जी एक साथ दो तीन सेट पे काम कर रहे होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है किसी भी हीरो के लिए, क्योंकि देखो एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में क्या होता है हमें एक ही ऑफिस में काम करना पड़ता है, एक ही चीज़ पे काम करना पड़ता है, वहाँ पे क्या होता है उनके लिए एक हैटिक शेड्यूल होता है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यार क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी जाते हैं फैंस अवेलेबल होते हैं, फैंस को आप इज्जत नहीं दो तो उनको ये लगता है कि हाँ ये सुन नहीं रहे तो घमंडी हो गए हैं, क्योंकि मेन चीज़ कहते हैं हमें लगता है कि वो घमंडी हो, लेकिन मेन चीज़ कहते हैं उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको नहीं होता टाइम हम लोगों के लिए कि हाँ हर किसी को इतना टाइम दे पाए, क्योंकि या तो खुद को परफॉर्म करें या फिर लोगों के लिए फिल्में लेके आए या फिर एक्टिंग करें, मेन चीज़ वो होती है, इनकी खुद की पर्सनल लाइफ तो खत्म ही हो चुकी होती है जिस हिसाब से। और दिलजीत का भी शेड्यूल बिजी रहता है, उनके भी गाने गुने आते रहते हैं बीच में, तो ये मूवी भी लेके आ रहे हैं बढ़िया है, तो देखने को मिलेगी जल्दी हमें। और यार आप हमें ज़रूर बताएं मतलब ट्रेलर आपको ये कैसा लगा है, पहला कैसा लगा, दूसरा कैसा लगा, क्या आपको बढ़िया लगा इस ट्रेलर के बारे में, तो और फटाफट यार देखो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबाओ ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले, और लाइक कर दो वीडियो को दोस्तों के साथ, शेयर कर दो ये वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।